हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफाइन ब्यूटी। माय नेम इज माही। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अफोर्डेबल ब्राइडल मेकअप किट आप कैसे बनाओ और मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज किए हैं। तो मैंने बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट अपने जो है वो कलेक्ट करके ब्राइडल मेकअप किट क्रिएट की है ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि यू नो फेस्टिव सीजन है और मैरिज सीजन है, शादियां हो रही हैं या आपकी कजिन की शादी है या फिर आपकी खुद की शादी है, आप ब्राइड टू बी हो या आपको कहीं जाना है तो आपको चाहिए एक ब्राइडल मेकअप किट। तो आप अफोर्डेबल प्राइस में कैसे बना सकते हो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। मैंने एक बहुत ही अफोर्डेबल कलेक्ट करके एक ब्राइडल मेकअप किट क्रिएट की है, तो आई होप इससे आपको हेल्प होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो एनी फर्दर अडू चलते हैं वीडियो में। So guys, here is my bridal pouch और ये जो पाउच है ये बहुत ही ब्लिंगी सा शाइनी सा है और ये शायद मैंने आपको दिखाया था, ये मैंने नायका से मंगवाया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें ही ब्राइडल किट करूं और बहुत ही यू नो मिनी से प्रोडक्ट रखूं ताकि आपको इजी भी हो जाए, अफोर्डेबल भी रहे और आपके छोटो से क्यूट से ब्राइडल पाउच में आ जाए। इससे बहुत ही यू नो मैरिज वाली वाइब्स आती है क्योंकि ये बहुत ही ब्लिंगी सा शाइनी सा है और ये बहुत अच्छा है। तो मैंने इसमें ही सारे कुछ मतलब रखा हुआ है, तो मैं आपको 1 by 1 दिखाती हूँ। तो हम इसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें यहाँ पे रखा हुआ है बाउंड्स का जेल मॉइस्चराइजर। आप देख रहे हो, ये आपने मेरी बहुत सारी वीडियो में मुझे यूज करते हुए देखा होगा। ये है 250 रुपीज का और बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, जेल मॉइस्चराइजर है। इसका एक नॉर्मल भी आता है बाउंड्स का और वो भी 250 समथिंग का है। तो बहुत ही अफोर्डेबल मॉइस्चराइजर है, ब्राइड के लिए परफेक्ट है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगी इसलिए जल्दी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहला प्रोडक्ट हमारा ये था। सेकेंड आता है हमारा प्राइमर। वो प्राइमर आई एम यूजिंग, तो आपने मुझे देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने लॉरियल का बहुत ज्यादा यूज किया है। ये है लॉरियल कह रही हूँ, कलर बार का। तो ये कलर बार का परफेक्ट मैच प्राइमर है। ये 750 रुपीज का आता है, नॉट अ बैड डील क्योंकि प्राइमर जो है वो बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत कॉस्टली मिलते हैं, उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। मैं आपको ब्लू हेवन का सजेस्ट कर रही हूँ, आप कहीं पे भी सर्च कर लेना, बट वो मेरे पास अभी फिनिश हो चुका है, दैट्स वाई मैंने आपको नहीं दिखाया। और बट आप चाहो तो अगर आपको ये थोड़ा सा लग रहा है ज्यादा तो आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे पास ना होने की वजह से मैंने उसे नहीं दिखाया। तो डेफिनेटली ये ओपन पोर्स को बंद कर देता है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है और अवॉर्डेड प्राइमर है, तो आप चेक कर सकते हो। तो फॉर प्राइमर कलर बार। अब बारी आती है हमारे फाउंडेशन की। व्हाट टाइप ऑफ फाउंडेशन आई एम यूजिंग, मतलब मैं कौन सा लूं, क्या करूं। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ड्राई स्किन पर्सन हो तो आप डेफिनेटली मेकअप रेवोल्यूशन का स्टिक फाउंडेशन ट्राई करो। मेरा शेड है F6। तो अगर आप ड्राई स्किन पर्सन हो तो डेफिनेटली मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन स्टिक ट्राई करो। इट्स कॉस्ट अराउंड 850 रुपीज, बट ये राइट नाउ जो है वो 600 का हो चुका है। तो 600 का बहुत सही है ब्राइड के लिए क्योंकि आप बेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप ब्राइड हो तो अगर आपने बेस में कॉम्प्रोमाइज किया, बाद में वो हट गया यू नो, तो सब कुछ पैची सा बहुत अजीब सा हो जाएगा, तो वो नहीं करना है और बहुत ही अच्छे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करना है। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए है क्योंकि आई एम ए ड्राई स्किन पर्सन। और अगर आप कॉम्बिनेशन या ऑयली स्किन हो तो आप मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जो आता है 350 रुपीज का वो ट्राई कर सकते हो। तो फॉर फाउंडेशन मेकअप रेवोल्यूशन एंड मेबलिन फिट मी फाउंडेशन। अब बारी आती है यहाँ पे कंसीलर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, डार्क सर्कल हो या ना हो आपको मतलब अपनी आईज को पॉपअप करने के लिए कंसीलर जरूरी ही है, मतलब लेना ही है। तो फॉर कंसीलर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एले गर्ल प्रो जो है कंसील और ये आता है 450 रुपीज का और मेरा शेड है इसमें प्योर बेज क्योंकि मैं ड्राई स्किन हूँ और ये ड्राई स्किन कॉम्बिनेशन दोनों पे जाता है, बहुत ही अच्छा है। ये भी अवॉर्डेड प्रोडक्ट है और ये 450 रुपीज का आता है एले गर्ल का कंसीलर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी। मैं आपको सेकंड ऑप्शन इसलिए दे रही हूँ, मैं वो सब यहाँ पे रख लेती बट वो मेरे किट में नहीं आ पा रहा था, दैट्स वाई। तो सेकंड ऑप्शन है मेबलिन का फिट मी। अगर आपको ये सही नहीं लग रहा तो आप वो ले सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन इसके साथ 101% है। ये बेस्ट है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आप डेफिनेटली इस पे ट्राई करो, आपको कुछ नहीं होगा। और ब्राइड के लिए इट्स अ परफेक्ट कंसीलर। तो फॉर कंसीलर एले गर्ल। अब बारी आती है कि हम अपने मेकअप को सेट कैसे करें। यस, क्योंकि सेट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो यू नो क्रीज लाइन हो जाएंगी और यू नो बहुत ही पैची सा, रिंकल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, फ्लॉलेस वो जो ग्लोई ग्लोई सी फिनिश होती है ना, वो नहीं आ पाएगी। तो मतलब जरूरी है सेट करना। तो फॉर सेटिंग स्प्रे मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी एडीएस का लग्जरी पाउडर, लग्जरी बनाना पाउडर एडीएस का है ये, और ये आपको मिलता है 200 रुपीज का। तो ब्राइडल के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इट्स अ गुड डील। और ऐसा नहीं है कि ये 250 रुपीज का है तो ये 250 और 350 का, मतलब इतना ज्यादा ये सस्ता है तो जो है खराब होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने इसे यूज किया है, दैट्स वाई मैं इसको ब्राइड के लिए सजेस्ट कर रही हूँ कि आप डेफिनेटली इस पे इन्वेस्ट करो और आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो फॉर सेटिंग्स पाउडर एडीएस बनाना लग्जरी लूज पाउडर। तो अब बारी आती है कि हमारे कॉन्टोर की। कॉन्टोर में मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, जैसा कि मैंने प्राइमर में नहीं किया था, क्योंकि ये पूरा शेप खराब कर देगा हमारे फेस का। मतलब जो मोटे नहीं है वो मोटे लगेंगे, जो पतले नहीं है वो मतलब अजीब कर देता है। तो उसमें मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। तो फॉर कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर मैंने एक में कर दिया है कि ज्यादा प्रोडक्ट ना हो। तो फॉर कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर मैं यहाँ पे यूज मतलब आपको सजेस्ट कर रही हूँ बेनिफिट का हूला ब्रॉन्जर। इट्स ऑल्सो अवॉर्डेड प्रोडक्ट, मतलब इसको लेके आप कोई भी कहीं भी रिव्यू देख लो, कोई मतलब मसला ही नहीं है। इसे आराम से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट प्रोडक्ट, सोचना ही नहीं है। बेनिफिट में तो सोचना ही नहीं है, उसका नाम ही बेनिफिट है। तो इट्स कॉस्ट अराउंड, ये मिनी साइज है इसका 1550 रुपीज, और इसका बिग साइज भी आता है जो कि 4000 का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पे इन्वेस्ट करो अगर आपको ये अच्छा लगता है और आपको सूट करता है, क्योंकि ये हर स्किन टोन पे चला जाता है। मतलब नो मैटर आप कौन से स्किन टोन के हो, तो आपको 100% सूट करेगा। तो फिर आप बड़ा जो है इसका ट्राई कर सकते हो, जो कि 4000 रुपीज का आता है। तो फॉर ब्रॉन्जर हूला बेनिफिट। अब हम ब्लश की बारी आती है। फॉर ब्लश मैं आपको सजेस्ट करूंगी यूरोप गर्ल पेरिस का मैट ब्लश, और ये मैंने अभी तक एक बार भी यूज नहीं किया है। आप देख सकते हो, मैं इसको सिर्फ अपनी ब्राइडल किट में जो है वो दिखाने के लिए ही रखे हुई थी कि मैं इसे अपनी ब्राइडल किट में, और ये बहुत ही आज मैंने बाय द वे इसी से मिलता जुलता वेयर किया है, बट मैंने इसे अभी एक बार भी नहीं किया। मैं आपको इसका स्वाच करके दिखा देती हूँ कि ये कितना ज्यादा पिगमेंटेड है, सीरियस, कितना प्यारा है ये। और ये 450 रुपीज का ब्लश है, और 450 रुपीज में बहुत अच्छा क्वांटिटी आपको मिल रही है, बहुत अच्छा अमाउंट, बहुत जबरदस्त। मतलब ब्राइड के लिए मतलब 6 मंथ तो कहीं भी नहीं जाने वाला, ये रहने ही वाला है। अगर आप डेली वेयर या फिर ऐसे भी यूज करते हो, नहीं खत्म होने वाला। बहुत अच्छा है, मैट फिनिश है और सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और अफोर्डेबल टू। तो फॉर ब्लश मैं यहाँ पे यूरोप गर्ल का आपको सजेस्ट करूंगी। अगर ये आपको कॉस्टली लग रहा है तो आप मेबलिन का 250 वाला भी ट्राई कर सकते हो, जो कि इजिली अवेलेबल है कहीं पे भी। तो फॉर ब्लश यूरोप गर्ल पेरिस मेरा सजेशन है। अब बारी आती है हाइलाइटर की, और आई एम ए हाइलाइटर जंकी पर्सन, ये आप सबको पता है। तो फॉर हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन मास्टर क्रोक। इस हाइलाइटर को कौन नहीं जानता, स्पेशली जो मेकअप लवर है और मेकअप जंकी है, उससे तो ये छुपा ही नहीं है, मतलब कहीं नहीं गया। मेबलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर इन द शेड मोल्टन गोल्ड, और आप देख रहे हो इसकी हालत मैंने क्या कर दी है, और ये टूट भी चुका है, पर मैंने सोचा कि मैं इसे दिखा दूं किट में। और ये 500 रुपीज का है, और इतना ब्यूटीफुल, इतना जबरदस्त मजे का हाइलाइटर है कि जब आप इसे लगाओगे ना तो बस लगाती जाओ ऐसा फील आता है। तो मोल्टन गोल्ड, मतलब आपको दूसरा हाइलाइटर मैं बोलूंगी नहीं, मतलब ये ले लो, काम हो गया। और ये गोल्डन है तो ब्राइड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राइड के लिए ग्लो करना, गोल्डन पॉप ऑफ बहुत जरूरी है। तो ये ब्राइड के लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये गोल्डन है, प्लस अफोर्डेबल है, प्लस अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल रहा है। तो गो फॉर द। अब बारी आती है हमारी आई मेकअप की। तो फॉर आई सबसे पहले मैं आपको आई लैशेस दिखाना चाहूंगी। तो फॉर आई लैशेस मैं आपको सजेस्ट करूंगी पैक की मिंक आई लैशेस, और मेरा यहाँ पे नंबर जो है वो है 213, क्योंकि ये मैं ज्यादा मतलब यू नो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी पहले से आईलैशेस काफी हैं तो उस वजह से मैं ज्यादा नहीं लगाती, वरना बहुत फेक फेक सा लगता है, तो मैं बहुत ही कम नंबर चूज करती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और ये 300 to 400 मिल जाती है, ये नंबर पे डिपेंड करती है, मतलब ज्यादा लेंथ या ज्यादा वॉल्यूम का लोगे तो थोड़ा कॉस्टली आएगा, तो लेकिन फिर भी 400 to 500 मतलब नंबर के अकॉर्डिंग। पर ये मेरा वाला 300 का है तो ये मैं 100% करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट हेयर्स हैं और डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे ग्लूस इसको स्टिक करते हो। तो दिस और फॉर मस्कारा एंड आईब्रो, फॉर आईब्रो आई एम सजेस्टिंग यू लॉरियल का ब्रो आर्टिस्ट जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज किया था। इट्स कॉस्ट अराउंड 550 रुपीज, बेस्ट है। नहीं लेना चाहो तो आई शेडो पैलेट के ब्राउन से भी कर सकते हो जो मैंने बोला था। फॉर मस्कारा ऑल टाइम मेबलिन कलर सेंसेशनल, जबरदस्त है। 450 अफोर्डेबल, वॉल्यूम लेंथ सब कुछ देता है। नो मतलब जस्ट डोंट वरी, गो फॉर इट। एंड फॉर आई लाइनर आई एम यूजिंग मेबलिन जेल आईलाइनर। अगर आप पेंसिल आईलाइनर लवर हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, बट आई एम यू नो जेल आईलाइनर पर्सन, तो दैट्स व्हाई। और अभी मैंने यही वाला आईलाइनर ऊपर जाओ किया है। और अब बारी आती है लिपस्टिक की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिपस्टिक लगाने से पहले हमें लिप बाम लगाना जरूरी है। तो फॉर लिप बाम नायका का यू नो लिप एंड चीक पैनकेक समथिंग लिप बाम, और ये 250 रुपीज का है। जब लॉन्च हुआ था तो 350 का था, बट राइट नाउ इट्स 250। तो और बहुत काफी अच्छा अमाउंट, आपको काफी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है, तो और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, मतलब लाइक यू नो चॉकलेटी काइंड ऑफ है, बहुत जबरदस्त। तो पहले हम ये लिप बाम, मतलब आप कोई सा भी लिप बाम ले सकते हो निविया का, पर मैं ये सजेस्ट करूंगी एक बार ले लो, काफी टाइम तक चलता है और बहुत ही अच्छा है। वैसे भी नायका के प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे ही होते हैं। लिपस्टिक के लिए मैं आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दूंगी। फर्स्ट ऑप्शन है नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड रजिया, जो कि ब्राइट के लिए परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट कलर है, मतलब डार्क रेड एंड डार्क यू नो पिंक और मैजेंटा काइंड ऑफ। तो और इट्स कॉस्ट अराउंड 450 रुपीज, अफोर्डेबल इनफ। तो पहला ऑप्शन ये है। सेकंड मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे मेबलिन की क्रीमी मैट कलर सेंसेशनल, और 450 रुपीज की मतलब लॉन्च हुई थी, पर अभी 300 की है। और मेरा शेड है यहाँ पे डिवाइन वाइन 695, परफेक्ट रेड कलर है, आप देख सकते हो यहाँ पे, परफेक्ट ब्राइट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो डेफिनेटली ये इतने में आपका काम हो जाएगा, और सारे प्रोडक्ट इनफ हैं और बहुत ही अफोर्डेबल हैं। सिर्फ कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि स्किन का मसला है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। तो एंड द लास्ट यहाँ पे आता है सेटिंग स्प्रे। तो फॉर सेटिंग स्प्रे आई एम सजेस्टिंग यू NYX मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे। इसका एक डुई फिनिश आता है, एक मैट फिनिश आता है। मैंने इसे डुई फिनिश वाला नहीं मंगवाया क्योंकि मेरी स्किन तो ड्राई है, पर मैं यू नो ऑल द टाइम मैं इसे समर में यूज करती हूँ क्योंकि स्वेटिंग बहुत होती है। और ये 850 रुपीज का है, तो इट्स अ परफेक्ट, कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, ये मतलब इनफ है। तो इतने में आपकी किट भी बन जानी है, आपको कोई मसला भी नहीं होगा, और सारे प्रोडक्ट A1 है, यूज किए हुए हैं, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। That's it for today's video guys. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी ताकि मतलब न्यूली जो ब्राइड हैं, जो ब्राइड टू भी हैं, उनकी हेल्प हो सके। और सारे प्रोडक्ट मेरे यूज किए हुए हैं, तो डोंट वरी, जस्ट गो फॉर इट। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो माय नेम इज माही खान, मैं ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल बटन जरूर दबा देना ताकि आप हमेशा नोटिफाई रहो जब भी मैं वीडियो डालूं। तो मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, लव यू, टाटा।